ओम नमस्ते, राम राम जी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी डाइट जो कि सस्ती होगी, और सस्ती का मतलब ये नहीं कि फ़ायदेमंद नहीं होगी, सस्ती भी होगी और न्यूट्रिशन से भरपूर भी होगी, पावरफुल भी होगी। कुछ लोग सोचते हैं और कहते भी हैं कुछ ट्रेनर कि जब तक हाई फाई डाइट नहीं लोगे तब तक बॉडी नहीं बनेगी। और हाई फाई डाइट से उनका क्या मतलब होता है, नॉन वेज ऐड कर लो डाइट में, आर्टिफिशियल्स भर भर के ऐड कर लो, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं। बॉडी का तो पता नहीं आप बना पाओगे या नहीं, लेकिन आप पाप जरूर बना लोगे अपनी ज़िंदगी में, बिना बात के जानवरों को खाकर, वो भी बॉडी बनाने के चक्कर में। यहाँ पर मेरा सुझाव ये रहेगा, अगर बढ़िया प्रोफेशनल फिटनेस बनानी है तो लाइफस्टाइल पॉजिटिव रखो, सकारात्मक रखो, मतलब खुश रहो, सकारात्मक सोचो, और डाइट घर की भी चल जाएगी, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप पूरा दिन खुश हो, सकारात्मक सोचते हो, मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, सबसे पहला काम यही है। और सबसे मेन भी, अपनी बॉडी को तैयार करने से पहले अपने दिमाग को तैयार करो, क्योंकि ये जो दिमाग में चलता रहता है ना पूरा दिन, छोटी छोटी बातों पर चिंता करना, किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना, नेगेटिव सोचना, गुस्सा करना बहुत ज़्यादा, ये सब चीज़ें बाधा डालती है बॉडी बनाने वाले प्रोसेस में। एक चीज़ ध्यान देना, जो हर टाइम चिंता करते हैं, जो लड़के गुस्सा करता रहता है हर टाइम, जो लड़का, उसके अंदर बल नहीं मिलेगा, उसके शरीर में आपको ज़्यादा बल नहीं मिलेगा। और जो इंसान शांत रहता है, खुश रहता है, उसकी नेचुरली बॉडी बन जाती है, बहुत बल होता है उसके शरीर में, क्योंकि भाई सभी गेम हार्मोन्स की है। जब तक हार्मोन्स सही नहीं होंगे, फिर आप कुछ खा लो, कुछ बदलाव नहीं कर सकते अपनी बॉडी में। सबसे पहले हार्मोन्स आते हैं, उसके बाद ये सब चीज़ें आती है, डाइट वगैरह जो भी है। इसलिए सबसे पहले दिमाग को मजबूत करो। ये नहीं कि कोई भी छोटी सी छोटी चिंता आई और आप डिप्रेशन में चले गए, ओवर थिंकिंग में चले गए, नहीं, आपका दिमाग मजबूत होना चाहिए। ये चीज़ शरीर पर बहुत इफेक्ट डालती है कि छोटी से छोटी चिंता आई और आप डिप्रेशन में चले गए, बार बार किसी चीज़ के बारे में आप सोचते सोचते उस चीज़ में घुस गए, ये चीज़ शरीर पर बहुत इफेक्ट डालती है। इसीलिए बता रहा हूँ, ये कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा मैं, जो सही चीज़ है, जो जिस चीज़ का बॉडी के साथ लिंक है, वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। दिमाग शार्प रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, और मैंने बहुत सारे तरीके बता रखे हैं दिमाग के लिए, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, बस। अब बात करते हैं डाइट की। अब आती है डाइट, एक ऐसी डाइट जो कि सस्ती भी हो, तगड़ी बॉडी बना दे एकदम से आपकी, ऐसी डाइट। देखो, हम लोगों के दिमाग में कुछ ऐसा घुसा रखा है, जितना महंगा फूड उतना ज़्यादा काम करेगा, मतलब कोई भी फल हो गया, कुछ भी हो गया, जितना महंगा होगा उतना ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो भाई ऐसा नहीं है, जैसे कि कीवी है, ये कितना महंगा फल है, 30 रुपये का एक आता है ना, लेकिन इससे ज़्यादा फ़ायदा तो अनानास दे देता है, और इससे भी ज़्यादा फ़ायदा दे देता है आंवला, सबसे सस्ता। आंवले के आगे तो कीवी कुछ भी नहीं है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि फिर कीवी फल है जो, वो इतना महंगा क्यों है? तो भाई वो इसलिए क्योंकि कीवी फल बाहर से आता है, ये महंगे महंगे फल बाहर दूसरे देशों से आते हैं ज़्यादातर, बाकी कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा गुण नहीं होता इनमें। ऐसे ही जिनको बॉडी बनानी है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट फल है केला, सबसे सस्ता, और 12 के 12 महीने कुदरत देती है। इसलिए केला खाओ हर रोज, एक दर्जन खाओ, 50 रुपया तो एक दिन पे खर्चना पड़ेगा ना अपनी बॉडी में, 50 से 60 रुपया एक दिन में खर्चना पड़ेगा ना, तो एक दर्जन केला खाओ, या 2 दिन में एक दर्जन तो खा ही सकते हो, तब जाकर कुछ जान आएगी शरीर में आपके। केले का आप शेक बनाकर पी लो, सुबह खाओ केला, वर्कआउट से पहले खाओ, ऐसे खाओ 10-12 केले दिन में, केले से ही वर्कआउट करने के लिए ताकत मिलेगी आपको, बस रात को केला मत खाना। अगला जो सस्ता आहार है तगड़ी बॉडी बनाने वाला, वो है स्प्राउट, जैसे कि मूंग दाल, देसी चना, 2-4 बादाम ले लो, किशमिश ले लो, ये सब भिगोकर एक मुट्ठी रात को, और सुबह खाओ खाली पेट, बहुत सारी एनर्जी, न्यूट्रिशन, प्रोटीन मिलेगा। हमारे दादा परदादा भी खाते थे पहले, बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। तगड़ी बॉडी बनाने के लिए सस्ती डाइट में जो अगला आहार है, वो है हांडी या फिर पतीली की दाल, चावल, रोटी और एक प्लेट सलाद, सीज़न का कोई भी सलाद, क्योंकि विटामिन भी होने ज़रूरी है ना बॉडी में। अब जैसे कि जो बंदा, जिस बंदे के पास पैसे है, वो क्या करता है, वो विटामिन लेता है टेबलेट लेकर, मतलब पैसे देता है, 500-700 रुपये का मल्टी विटामिन की टेबलेट आती है, वो लेता है। आप नेचुरल खाओ, सलाद खाओ, बस आपको खाना पड़ेगा ज़्यादा, समझ रहे हो, आप जैसी चाहे वैसी बॉडी बना सकते हो, बस आपको खाना पड़ेगा। जैसे कि सलाद आपको सीजन के भरपूर खाने पड़ेंगे, तब जाकर पूरे दिन का विटामिन आपको मिलेगा जो बॉडी बनाने के लिए चाहिए, ठीक है। और ये जो चीज़ मैंने आपको बताई, दाल, चावल, रोटी, एक प्लेट सलाद, ये आपको दोपहर को हर रोज़ लेना है। दाल जो होती है वो बहुत तरह की होती है, सस्ती भी है, और भाई हर रोज़ अलग अलग पकाकर खा सकते हो, प्रोटीन मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, और ये बहुत पावरफुल डाइट है। तगड़ी बॉडी बनाने वाला अगला जो घरेलू आहार है, वो है रोटी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रोटी तो हम लोग रोज़ खाते हैं, सब खाते हैं रोटी, तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या आपने सुना है पहले के समय में रोटी खाकर लोग बढ़िया बल बना लेते थे शरीर में, तो वो कौन सी रोटी थी, अब समझोगे आप।
और वो रोटी अगर आप खाने लग गए तो भाई शरीर बदल जाएगा आपका बिल्कुल। देखो पहले क्या होता था, बहुत सारे योद्धा होते थे, सैनिक होते थे, तो हमारे देश में खास तरह का ताकतवर खाना सैनिकों के लिए बनता था। अब ये तो है नहीं कि हर सैनिक के लिए अलग अलग डाइट मील होगी, हर घंटे बाद उनको खाने का दिया जाएगा, नहीं। तो पहले होता यह था कि रोटी पावरफुल होती थी, रोटी को पावरफुल बनाकर खिलाते थे, जैसे कि बेसन की रोटी, बाजरे की रोटी, मक्की की रोटी। और ये अलग अलग रोटियाँ भी, ये जो अलग अलग रोटियां हैं ये सिर्फ हमारे देश में ही बनती है और कहीं नहीं बनती, और सबसे ताकतवर योद्धा भी हमारे ही देश में है। तो ये थोड़ा सा उदाहरण दिया है मैंने, ये चीज़ थोड़ी सी हम भूल गए, ख़त्म होती जा रही है, सब एक ही तरह की रोटी खाते हैं। हमारे देश में बहुत सारी रोटियां हैं जो कि बल देती है शरीर में, और वो खासकर उन्हीं लोगों के लिए बनी हुई है जो शरीर का निर्माण करना चाहते हैं। तो आपको रोटी तक बदलनी होगी अपनी, इसलिए आप सुबह गेहूं की रोटी जो खाते हो, बस आपको करना ये है, गेहूं में बेसन का आटा मिक्स कर बेसन की रोटी तैयार करके खाओ। घर वालों से पूछ लेना, सर्च कर लेना कैसे बनती है। बाजरे की रोटी खाओ सुबह, मक्की की रोटी खाओ, तो भाई अलग अलग रोटियां खाओ सुबह, तो भाई इनमें प्रोटीन भी होगा, ताकत भी मिलेगी एक्स्ट्रा। तो अब आप समझ ही गए होंगे किस तरह क्या बनाकर खाना है, ठीक है। तो ये चीज़ फॉलो करो। अब मैं बात कर लेता हूँ उन भाइयों की जिनके घर में गाय भैंस है और खूब दूध दही होता है, सब मतलब भरपूर दूध होता है। तो भाई आप लोगों को कोई बजट डाइट की ज़रूरत नहीं है, मतलब कहने का आपके पास ऑलरेडी बहुत प्रोफेशनल हाई लेवल का डाइट प्लान है, समझ रहे हो। मतलब दूध का आप घी बनाओ, लस्सी बनाओ, दही बनाओ, खोया बनाओ, पनीर, पनीर सबसे बेस्ट है बॉडी बनाने के लिए, मसल्स बिल्डिंग के लिए सबसे बेस्ट है पनीर। आप अगर सर्च करोगे बॉडी बिल्डिंग डाइट प्लान तो सबसे पहले पनीर आएगा वेज में, तो पनीर बनाकर खाओ आप। आपके पास तो पहले से ही बहुत हाई लेवल का डाइट प्लान है, समझ रहे हो। अगर आपके घर में दूध घी अच्छा होता है, मक्खन बनाकर खाओ, तो भाई दूध का, और ये सब चीज़ें आप ही के पास है, बाहर के देशों में थोड़ी है दूध का ये सब चीज़ें बना देंगे। वे तो बस दूध का प्रोटीन पाउडर बना सकते हैं, गेनर बना सकते हैं, बस हम लोग 10-12 चीज़ें बना सकते हैं दूध की, ज़्यादा ही बना सकते हैं, ये तो हमको ही पता है। बहुत सारी चीज़ें हैं दूध से, ये खाओ दूध से बनी चीज़ें, प्रोटीन भरपूर मिलेगा सब चीज़ें। लेकिन अब बात आती है जिनके घर में दूध घी भरपूर नहीं होता बॉडी बनाने के लिए, तो भाई आप लोगों को देखो जो सच है वही बोलूँगा, आप लोगों को एक टाइम पनीर खाना ही होगा, सुबह खाओ या रात को, रात को खा लो। रात को आपको डिनर में प्रोटीन कम से कम 100 ग्राम हर रोज़ लेना होगा प्योर, ये नहीं कि कहीं से भी दुकान से उठा लाए ना, एक लीटर दूध किसी से ले लो हर रोज़ लो, 50-60 रुपये का जो भी आता है गाय का ले लो पीने के लिए एक लीटर, और एक लीटर भैंस का ले लो पनीर बनाने के लिए। तो भाई इसी से बॉडी बनेगी, जो सच है वही बता रहा हूँ, हाई क्वालिटी प्रोटीन इसी से मिलेगा आपको, इन दो चीज़ों से, वर्कआउट के बाद पीने के लिए गाय का दूध, और रात को डिनर में रोटी के साथ पनीर खाने के लिए भैंस का दूध, डेली पनीर बनाना होगा, जो सच है वही बता रहा हूँ, बाकी बजट की डाइट है सही चल जाएगा। अगली वीडियो किस पर चाहिए कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर।